हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक सीक्रेट मसाले से तैयार हलवाई स्टाइल बिना लहसुन प्याज की आलू मटर की सब्जी का वीडियो शेयर कर रही हूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 5 उबले आलू लिए हैं, जिसे मैंने पहले से ही उबाल कर छील लिया था, और 1 कटोरी मटर, जिसे मैंने 2 मिनट नमक डालकर उबाल लिया है। आलूओं को आधे आधे इंच के टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम अपना सीक्रेट मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच सौंफ, 10 से 12 काली मिर्च, आधे इंच का टुकड़ा अदरक का, जिसे मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है, जिसे पीसने में आसानी हो, 3 हरी मिर्च, इसे भी मैंने तोड़ लिया है, जिसे ये अच्छी तरह से पीस जाए। देखिए, ये अच्छी तरह से पीस गया है, ये बिल्कुल बारीक हो गया है। अब हम गीला मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने 1 बाउल में आधा चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी नहीं होती है, इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। अब इन सभी मसालों में हम पानी डालकर मिला लेंगे और इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। घोल तैयार हो गया है। अब हम सब्जी तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 3 चम्मच सरसों का तेल लिया है। आप जो तेल इस्तेमाल करते हैं उसे आप ले सकते हैं। 1 चम्मच घी, ये आप जरूर इस्तेमाल करें, इससे सब्जी में स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। तड़के के लिए मैंने आधा चम्मच जीरा, आधा इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 3 लौंग, 1 हरी इलायची, 2 तेज पत्ता और आधा चम्मच हींग लिया है। तड़के को हम अच्छी तरह भून लेंगे, जिससे तेल में इसका स्वाद अच्छी तरह से आए। इसे हम हल्की आंच पर ही भूनेंगे, तेज आंच पे तड़का जल जाता है। तड़का तैयार हो गया है। अब इसमें हम जो सूखा मसाला पीसे थे उसे डाल देंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से हल्की आंच पर पका लेंगे। मसाले को हमें अच्छी तरह से भून लेना है। मसाला तैयार हो गया है। अब हम इसमें गीला मसाला डाल देंगे। कटोरी में थोड़ा मसाला लगा था तो मैंने इसमें पानी डालकर इसे भी डाल दिया है। अब इसे हम हल्की आंच पर धीरे धीरे भूनेंगे। मसाले को हम ढककर धीरे धीरे भूनेंगे। देखिए, मसाला भून गया है। अब हम इसमें 2 टमाटर कद्दूकस किया हुआ डाल देंगे। टमाटर आप कद्दूकस करके ही डालें। अब हम इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और टमाटर के साथ मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले को बीच बीच में चलाते हुए इसे हमें भून लेना है। मसाले में कच्चापन नहीं रहना चाहिए, वरना सब्जी का स्वाद खराब हो जाएगा। हमें कोई भी सब्जी बनाते समय मसाले को अच्छी तरह भून लेना चाहिए। देखिए, मसाले ने कढ़ाई छोड़ दी है और तेल भी बाहर दिखने लगा है। मसाले भुनने का सबसे सही पहचान यही है कि मसाला कढ़ाई छोड़ देता है और तेल भी बाहर दिखने लगता है। मसाला भुन गया है। अब हम इसमें आलू और मटर को डाल देंगे और मसाले में आलू और मटर को अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे 5 मिनट तक हम हल्की आंच पर अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए, मसाले में आलू और मटर मिल गया है और ये भुन भी गया है अच्छी तरह से। अब हम इसमें पानी डालेंगे। आपको जितनी ग्रेवी की ज़रूरत है आप उतनी ग्रेवी इसमें डाल सकते हैं। ग्रेवी के लिए हम इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको पतली ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें पानी ज़्यादा डाल सकते हैं, और अगर गाढ़ी ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें पानी कम डालें। पानी डालने के बाद इसमें हम आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला, आप चाहें तो इसकी जगह अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, और रोस्ट किया हुआ कसूरी मेथी, इन सभी को डाल के सब्जी को मिला देंगे और इसे खुले में ही हम 5 से 10 मिनट पका लेंगे। देखिए, 5 से 10 मिनट हो गया है, सब्जी का कलर भी कितना अच्छा आया है। अगर आपको सब्जी पतली लग रही है तो आप आलू निकाल कर उसे मैश कर दें, इससे सब्जी गाढ़ी हो जाएगी। आप इस सब्जी को रोटी, चावल, पूड़ी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सब्जी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके ऊपर धनिया की पत्ती डाल देंगे।
आप इस सब्जी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए कि आपको ये सीक्रेट मसाले वाली सब्जी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।